मुझे कहने दीजिए, बार बार कहता हूं, यहां मौजूद है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। रूही जी आई हैं, उनकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। बच्चों के साथ न्याय हो और न्याय होता दिखे। जी मैं इधर आया, हाँ अब मैं इधर पूछ लूं यार। अच्छा बोलिए, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, जब राम भगवान 14 साल बाद वापस आए थे। क्या नाम हो गया? दिनेश कुमार यादव। हाँ कहाँ से? बनारस से। अच्छा यही खास में? जी जी। क्या काम करते हैं? मैं पार्षद, पूर्व पार्षद। यार वो अच्छा नहीं लग रहा, तुम उधर अंदर आ जाओ यार। अरे आ जाओ यार। हाँ यादव जी आप बोलिए। जब आज राम भगवान 500 साल बाद हमारे अयोध्या में आ रहे हैं, हाँ। तो हम दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? हाँ। दिवाली तो जब 14 साल बाद आए तो हम लोग दिवाली मनाए, आज तो 500 साल बाद आ रहे हैं राम भगवान। और ये जो लोग कह रहे हैं कि साल में दो दो बार दिवाली मनाओगे, अरे हम 5 बार मनाएंगे। और अगर यादव जी कह दें कि 5 बार मनाएंगे तो समझ लो मनाएंगे फिर। बाकी द्विवेदी जी आप कहें 5 बार तो मैं संदेह है मिश्रा जी कि 5 में कहो एक ही मना पाए। लेकिन अगर याद खड़ा रहो यादव जी, अंदर आओ और बाहर कैसे गए? लेकिन बैठ जाओ। लेकिन अगर यादव जी ने कह दिया है तो कोई संदेह नहीं है मुझे। क्यों संदेह रहेगा? जानता हूं मैं। और वो निर्भीकता वो दिखती है। ये नौ युवाओं का दिवाली है, नवयुग की दिवाली है। और ये दिवाली में गुरु जी निपटेंगे कैसे? इनसे कैसे निपटेंगे? अरे इनसे कहाँ निपटने की, कहीं कोई समस्या नहीं है, इनसे निपटना नहीं है। भाई जैसे लोग हैं, है? मैं चाहता हूँ देश रोज दीपावली मनाए, हाँ। देश में बेरोजगारी कम हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, देश रोज दीपावली मनाए अपने घरों में, ये देश खुशहाल हो, लोगों के बच्चे। अयोध्या वाली से क्यों इतनी नाराजगी? कहाँ नाराजगी है? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आप देखिए 15 जनवरी को हमारे प्रदेश। अच्छा, आप बताइए आप जा रहे कि नहीं जा रहे? सुन लीजिए, 15 जनवरी को अयोध्या जा करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जाके सरयू में स्नान करके अयोध्या दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब मोदी जी की सरकार बनी तो 5-6 साल इन्होंने सर्टिफिकेट दिया राष्ट्रवाद का, आजकल इनको धर्म का सर्टिफिकेट देने का नशा चढ़ा। आया, सोचे थे आप आएंगे ही नहीं, आप तो ज्ञानवापी वाला लड़ रहे हैं। जी 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 बताएं। हम सवाल हमारे पास है ही नहीं, आप ही बोलना है। प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी चीज है देश आज रोटी से ऊपर उठ चुका है, नया रोजगार की कमी है ना रोटी की कमी। वो देखिए उधर तो वो खड़े हैं, वो इधर कितने लोग परेशान है। रुको मुझे बात कहने दो, आराम से बैठो, बात कहने दो मुझे। हाँ जी हाँ जी। देश हमने कहा कि रोटी से ऊपर उठ चुकी है, इस देश को राम चाहिए, राम मतलब राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम।